सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अमनदीप गिल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जॉब तो हर कोई करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उनकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है तो हम निकल जाते हैं अपनी जॉब ढूंढने की तरफ। सो दोस्तों आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि जैसे आपका ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ ढूंढोगे, किधर मिलेगी, वो सब आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप गिल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या ट्वेल्थ पास हो, जो भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है एंड आप भाग जाते हो जॉब ढूंढने की तरफ। दोस्तों ये सबसे गलत बात है। जैसे आपकी स्टडीज कंप्लीट होती है सबसे पहले आप चूज करो कि आपको किस चीज में काम करना है। सपोज दोस्तों मैं एग्जांपल ले लेता हूं रिसर्च एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था। अगर दोस्तों सपोज मैंने ले लिया रिसर्च एग्जीक्यूटिव, मैं जाऊंगा नहीं मुंबई की, और मीन्स अगर अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुंबई पूरा घूम लूंगा एंड ढूंढूंगा कि भाई मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो। दोस्तों ये सबसे गलत बात है। चुपचाप अपने घर पे आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मोबाइल में सर्च कीजिए रिसर्च एग्जीक्यूटिव, आपको बहुत सारे लिस्ट आ जाएगी कंपनीज की, जितने भी मुंबई में कंपनीज है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, उनसे बात कीजिए, अगर उधर इंटरव्यू तो आपको बुलाते हैं तो जाइए। दोस्तों क्योंकि आप देखोगे अगर हम मुंबई में जाओ तो हम बहुत सारे कंपनीज में चले जाते हैं, इंटरव्यू तो दे देते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, दो दिन बाद बताएंगे आपको कॉल कर, विच मीन दोस्तों आप सिलेक्शन आपका हुआ ही नहीं है। सो दोस्तों इसमें आपका ही टाइम वेस्ट है, आप रोज जाओगे, ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे धक्के खा चुका हूँ। मैं जाता था आता था एंड एक दिन मैं तंग आ गया एंड फिर गया ही नहीं। तो दोस्तों ये होता है सभी के साथ। अगर आप भी जॉब करना चाहते हो तो सिंपल सर्च कीजिए रिसर्च एग्जीक्यूटिव, में एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च एग्जीक्यूटिव के लिए सर्च किया था, मींस मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो बाद में मुझे ये आइडिया आया एंड उसके जैसे मैंने ये आइडिया अप्लाई किया उसके दो दिन बाद मुझे कंपनी की तरफ से फ़ोन आया इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया, बट मैं उसमें गया नहीं वो कंपनी में। तो दोस्तों ये एक अच्छा आइडिया, अगर आप किधर भी जॉब करना चाहते हो तो उससे पहले आप अपने मोबाइल में सर्च कीजिए कि किस में आप जॉब करना चाहते हो, उसमें कॉल करिए, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे Naukri.com या ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट दोस्तों उस पर भी अप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं बनता, फेक ही होते हैं मोस्टली, तो फेक भी नहीं बोल सकते हैं, बट ना वो फ़ोन तो करते हैं बट फिर वो बोलते हैं 5,000 rupees पे करो, 2,000 rupees पे करो, 200 rupees का फॉर्म भरो, ये सब फालतू ही है दोस्तों। एंड मोस्टली आपको अगर जॉब मिलेगी तो BPO में मिलेंगे, तो BPO में तो दोस्तों 10वीं पास भी चला ही जा सकता है, बट दोस्तों अगर आप एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको अगर एक अच्छी जॉब करना चाहते हो तो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लीज़ मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो आप मुंबई में ना घूमें, अगर आप इंडिया में जिधर भी हो तो ऐसा ना घूमें, अपने मोबाइल में सर्च करें, कॉल करें, कॉल पे बात करें, क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप किधर इंटरव्यू में जाओगे तो आपका एक दिन तो वेस्ट होना ही है, उससे अच्छा अगर आप 5 मिनट निकाल कर कॉल कर लें तो वो बेस्ट आइडिया है, अगर वो इंटरव्यू बुलाते हैं तो जाओ, वरना जाने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों ये मेरे साथ हुआ है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बाद में ये आइडिया दिया एंड उसी के बाद उनका भी हो गया एंड आज वो जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आप ग्रेजुएट के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है। सिंपल दोस्तों, मोबाइल में सर्च करना है, कॉल करना है, फिर इंटरव्यू देने जाना है, बिना सर्च कॉल के इंटरव्यू देने नहीं जाना क्योंकि आपको टाइम वेस्ट ही होगा। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।